गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं ना? तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था आ, ठीक है। आ को भी हम लोग दो प्रकार से यूज करते हैं, पहले और लगाएंगे, इसके बाद आ का लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, किसी चिन्ह अवच के हैं आए, आए जो बिना ही हिंदी मान चिन्ह आता है बिना ए या फिर ए का, ठीक है। ये जो है इंग्लिश मान ई, ठीक है। तो देखेंगे इनका भी दो प्रकार, ठीक है। निना दो प्रकार थे वो और दई, ठीक है। मी तो ए को लगाई, मी तो ए का, ठीक है। निया को ले लिया, चिंच को और लिया, ठीक है। जैसे इया एका एला एरा एलान लेल बे आले आपे हाके, ठीक है। तो नीला चिट्ठी ओला करना को इन्ना बोले दी है ची नहीं तो आयर पार बोलेगा, ठीक है। नी जो बिना ये नी आयर पार, ठीक है। आय 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 आय, ठीक है। इनके लिए नी बोले ली है नी माने बिंगन बोलों के बाद, ठीक है। और कोई चना बिंगन बोलों चना ने कुछ क्या हमको बिंगन बोलों को, ठीक है। इन्दर बिंगन बोलों चना पे जो भी और हुआ, ठीक है। चना पे और हुआ इन्दर इसका एक आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ले लिया को इया, ठीक है। एक का, ठीक है। एन निकल हान पा बोले ले, ठीक है। लेल, ठीक है। इतना बे, ठीक है। एन निकल इसे यहाँ पर एक का हम तो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर एक, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे जैसे अब लेटर हम लिखता है एकार, एकार किधर, यहाँ पर हम लोग एकार का प्रयोग किए हैं। और हम लिखता है ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे क्या है, हम लोग आए को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, यानी आए को हम लोग दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। रियल रूप में देखो बोल दीजिए, ठीक है। थैंक यू।